नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। मैं आपके साथ दीक्षा शुक्ला। वाराणसी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक समीक्षा बैठक रविवार को कॉटन मिल में हुई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह व महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रिम्पी सिंह ने जिले में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए विभिन्न पदों की नियुक्ति की है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महासचिव देवेश कुमार सिंह व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह भी मौजूद रही, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ महासचिव व विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी मिश्रा, क्या कहेंगे आज जो जिस तरह से सदस्यता अभियान चला के लोगों को जोड़ा जा रहा है? पहले तो मैं ये कहूँगी कि राजनीति से कोई भी महिला जुड़ती है तो ये होता है कि अरे राजनीति में मत जोड़ो, इसमें करप्शन है। अगर कोई राजनीति महिला है तो इसका करेक्टर खराब होगा। तो पहले ये सोच हम महिलाओं में बदल रहे हैं, इसलिए हम लोग छोटी छोटी समीक्षाएं करते हैं कि जब तक हम स्वयं गलत नहीं होंगे हमें कोई गलत नहीं कर सकता, चाहे वो पार्टी कोई भी पार्टी हो। व्यक्तिगत ये नहीं कि मैं लोजपा की हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी की हूँ, कोई भी पार्टी हो, अगर हम सही हैं और स्वयं को सुरक्षित रखेंगे तो आप भी हमें सुरक्षित ही समझेंगे। आपसे ये कोई ये नहीं कि ये महिला राजनीति में है तो ये करप्ट है। तो ये महिलाओं की जो मानसिकता है उस मानसिकता को हटाते हुए हम समीक्षाओं का ये इसलिए करते हैं कि महिलाएं ये समझें कि अब जी, मेरा नाम देवेश कुमार सिंह है, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ, इस पार्टी का मैं प्रदेश महासचिव। आज किस तरह की समीक्षा बैठक जी? हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष माननीय मनोज सिंह जी का आज प्रोग्राम है, हमारे बहुत यशस्वी और बहुत कर्मठ जिलाध्यक्ष हैं। इनकी कुछ नियुक्तियां होनी हैं और कुछ लोगों की नियुक्तियां पहले हो चुकी हैं, उनसे डिस्कशन होना है कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे हम लोग इस स्तर जाके हर बूथ स्तर पे, गांव स्तर पे, हर जगह पे काम कैसे करना है, वही का हम लोग चिंतन करने के लिए इकट्ठा हो गए। सर, आपकी पार्टी देखा जाए तो रोड पर नहीं दिखती है, कोई समस्याओं को लेकर अभी तक आप लोग रोड पर नहीं उतरे, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, रोड पे उतरने का न कारण ये कि हम लोग एनडीए के सदस्य हैं, हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार यहाँ पे है और हमारी एनडीए की सरकार यहाँ अच्छा काम कर रही है, तो हम रोड पे किस बात के लिए उतरेंगे? अपनी सरकार के खिलाफ हम कैसे उतरेंगे? बेरोजगारी का मामला है, महिलाओं का जो भी कल तो घटनाई हुई, उत्पीड़न का मामला चल रहा है, नियुक्ति कर रहे हैं, अभी सदस्य ग्रहण कर रहे हैं, 8 महिलाओं की नियुक्ति है इसमें, इसीलिए एक ये आयोजन। कौन कौन पद आज है? विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा उपाध्यक्ष है, जिला महासचिव है। तो कितने लोग शामिल हो रहे हैं, महिला पुरुष मिलाकर? पुरुषों की तो गिनती सब मिला के 50 होंगे। 50 क्या कहेंगे आगे की लड़ाई किस तरह से? यहाँ पे बनारस में बहुत पीछे है लोग, पार्टी तो कैसे प्रचार करेंगे, किस मुद्दे को लेकर? अभी नियुक्ति कर रहे हैं, अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, पार्टी तो पुरानी है, अब जोड़ रहे हैं, बहुत मेहनत करेंगे। सड़क को नहीं दिखाई देता आपका कार्यकर्ता? सड़क पे कैसे को लेकर जो चीजें हैं लेकर सड़क पे कैसे आए, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? मैं